एंड वेन यू वॉक डाउन क्रिकेटिंग फील्ड, लाइक वेन यू वॉक डाउन क्रिकेट ग्राउंड, राइट, वहाँ पे कभी जब स्टार्स प्लेयर्स के साथ खेलते हो, राइट, जिसको हम बचपन से देखते आए हैं, हम प्रॉबेबली जिनको अभी भी हम स्टार कंसिडर करते हैं, जैसा कोई था कोई मोमेंट ऐसा क्या, दिस इज माई स्टार मोमेंट, क्या भाई क्या सही था ये? ऐसा तो सिर्फ MS धोनी के साथ ही हुआ है, जब मैं बैटिंग करने को गया और दरी है वो मतलब ग्राउंड पे हम अपना चुपचाप वार्म अप करते रहते हैं, एकदम से पब्लिक आउट ऑफ नोवेयर चिल्लाना चालू है, क्या हुआ है? देखा तो MS डगआउट से बाहर आ रहे हैं, चलो ठीक है, समझ आ गया क्यों मतलब सब मैं अपना वार्म अप कर रहा हूँ, आराम से स्ट्रेच कर रहा हूँ, अरे दुख रहा है, ये पिच ऐसा है, ऐसा खेलना है, सब जोन में हूँ, एकदम से पब्लिक इज गोइंग मैड, चिल्लाने लग गए, तो डगआउट से निकल रहे हैं साहब, बैटिंग करने को गया यहीं खड़े हुए, मैं उनको देखा सब ठीक है, मतलब हाँ भैया सब ठीक है, मतलब जानते हो क्या मेरे को, दैट मतलब ये बता रहे कि कितने मतलब चिल हैं, उसका वो पैरिटी नहीं क्रिएट होने देते कि मैं बहुत बड़ा हूँ तू छोटा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है। जैसे कभी कोई एक इंसिडेंट याद है जब फर्स्ट जब धोनी पीछे हो और आप सामने खेल रहे हो, तो कुछ ऐसा हुआ आइकॉनिक मोमेंट या कुछ? मेरे सामने हुआ था, तो मी एंड वन मोर गाय वर बैटिंग, शॉर्ट थर्ड मैन और कवर्स, दो फील्डर ऑफ साइड में, उन्होंने आउट सब अच्छा चल रहा था, एक फील्डर वहां से बुलाया और इस तरफ लगा दिया, अगली बॉल वहां गई, वो कैच आउट हो गया उधर, ये किस्मत भी खराब हो सकती है यार। हाँ। लेकिन मैं चल अगली ही बॉल क्यों है, 3-4 बॉल बाद हो जाता, अगली ही बॉल हो गया, सडनली इट फेल्ट कि यार क्या माइंड है इनका यार क्या। और ऐसा ही होता है, मैं भी बैटिंग कर रहा था, मैंने एक शॉट, अभी चेन्नई सुपर किंग्स से जो मैच था, मैंने एक शॉट मारा, शॉर्ट थर्ड मैन में कैच आउट हो गया, मैं मुड़ के देखा शॉर्ट थर्ड मैन तो गलत खड़ा है यार, यहाँ थोड़ी खड़ा होता है, गलत पोजीशन में खड़ा, इधर होना चाहिए। एंड आई फेल्ट कि अच्छा, आई आस्क्ड हिम मैच के बाद कि भैया क्यों, उन्होंने बोला जिस तरीके से तेरे बैट से बॉल निकल रहा था, सारे फील्डर्स और फाइन होने चाहिए, इसके लिए मैंने उसको और फाइन लगाया, इतना तो यार मैंने कभी सोचा ही नहीं लाइफ में। सो और देन एंड देयर उस मोमेंट पे सोचना, टू अंडरस्टैंड द एंगल, क्रिकेट इज ऑल अबाउट एंगल्स, बैट से लग के किस एंगल पे बॉल जाती है, टू रीड दोज एंगल्स, दैट आई थिंक इज बिगेस्ट स्ट्रेंथ, दैट्स MS धोनी स्ट्रेंथ। डिड दैट हैपन विद विराट कोहली एज वेल? राइट नाउ अभी विराट कोहली इज द बिगेस्ट सुपर स्टार इन द कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड इन फैक्ट इन क्रिकेट, राइट? अभी एक रिसेंटली वो भी था कि ही केम इन द टॉप 10 क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स स्टार्स, टॉप 10 सुपर स्टार्स इन द वर्ल्ड, लाइक फॉरगेट क्रिकेट, across all sports he is one of the top 10, he's one of the most followed, he's one of the most high paid, like he makes more money than anyone else. So Virat Kohli ke sath kabhi aisa kuch hua? Hey, Virat Kohli has always been full of energy, right from the first ball of the game to the last ball, same energy rehta hai, and off the field very humble again, always open to discussions. You can go, I made my debut against RCB, okay, in Dubai, अबू धाबी, आई स्कोर्ड सम 40-41 नॉट आउट, पोस्ट मैच बस थोड़े बिजी थे वो, उसके बावजूद मैंने वेट किया थोड़ी देर, उन्होंने भी बात किया मेरे से 10 मिनट, आई स्पोक टू हिम अबाउट हाउ टू कंट्रोल द पुल शॉट, हाउ टू प्ले पंच नॉट, ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस, 10-15 मिनट अच्छे से बात किया, दैट शोज दैट इज विलिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द गेम, यंगस्टर्स अगर पूछते हैं तो उनको सिखाना भी वो चाहते हैं, एंड उनकी हार्डवर्क है जहाँ वो आज हैं, आई थिंक इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ये बताओ कि ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये होगा अकॉर्डिंग टू यू? आई मीन ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स, हर किसी की अपनी थ्योरीज है, एज अ क्रिकेटर, एज एन इनसाइडर, एज समबडी जिसने इसके साथ खेला है, देखा है पीछे, तो क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इन महेंद्र सिंह धोनी प्लेइंग स्टाइल? आई थिंक इज कंपोजर, इज एबिलिटी टू not react in pressure situations, to calm himself down and to be composed in a state of mind where he's neutral. That helps him to make better decisions. We always associate Dhoni with making good decisions because he's able to attain that state of mind where he's composed. It's a sthir brain hai ekdam. Thanda, captain cool, unko aise hi nahi bol. मुश्किल सिचुएशन, उनसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन किसी ने नहीं देखी होगी, इंडिया टीम को कैप्टन किया है उन्होंने, इतने सिचुएशन लाए होंगे जहाँ पे लग रहा है हार गए, पर उस ठंडे दिमाग से सोचना उस टाइम में भी, वो एक हर कोई नहीं कर सकता, वो एक आर्ट है, और इसीलिए आई थिंक ही इज हु इज। एंड व्हाट्स अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन विराट कोहली? विराट कोहली आई थिंक फुल ऑफ एनर्जी, ही इज ऑलवेज पम्प्ड अप, ही इज ऑलवेज रेडी टू any pressure situation, he'll put his hand up and say that I'll do it.
you know, I will feed off of public's energy and I will go out there and do it for my team. I'll be the one who will make a difference. No, he's that difference maker in the team. This channel ko subscribe kar lo because Raj Chamani clips, aisi clips laega podcast pe se, jo shayad podcast pe bhi nahi hoti. Exclusive, uncut, unfiltered content jo aapko ek better leader banne mein help karega, jo aapko India mein smart insaan banne ki help karega and jo aapko help karega ki aap apka influence, growth, profit, business and individual personality ko kaise grow kare. इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में एक्सेल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.